नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में वीवो कंपनी सभी स्मार्टफोन्स कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। चाहे वह फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो, बजट स्मार्टफोन हो या फिर लो प्राइस के स्मार्टफोन हो, कंपनी लगातार अपने बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है, जिसके जरिए वीवो कंपनी सभी स्मार्टफोन्स कंपनियों को मार्केट में कड़ी टक्कर दे रही है। तो दोस्तों, अब आपको पता होगा कि रियलमी कंपनी आने वाली 11 तारीख को अपनी नार्जो 10 सीरीज को लेकर आ रही है, जिसके अंदर आपको नार्जो 10 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि एक बढ़िया और अच्छा बजट स्मार्टफोन होगा। इसके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। और दोस्तों, कुछ ऐसी लीक्स डिटेल सामने आ रही है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस कंपनी लगभग 10 से 12 हजार रुपए के बीच में रखने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब इसी को देखते हुए वीवो कंपनी ने रियलमी नार्जो 10 से पहले ही कंपनी ने वीवो Y30 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो की एक बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने ऐसे में यह सवाल आता है कि आपको 10 से 12 हजार रुपए तक की कीमत का इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया और अच्छा 10 से 12 हजार रुपए तक की कीमत का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रियलमी कंपनी अपने लगभग ज्यादातर स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन लगभग एक जैसा ही रखती है। तो दोस्तों, रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन में आप सिंपल क्वाड रियर कैमरा सेटअप और वाटरप्रूफ नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि दोस्तों वीवो Y30 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 5 होल नॉच डिस्प्ले दी है और इसके अंदर आपको दोस्तों क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स की, तो दोस्तों वीवो Y30 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.47 इंच की HD 5 होल नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 1560x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। जबकि दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.5 इंच की फुल HD वाटरप्रूफ नॉच डिस्प्ले देगी, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों डिस्प्ले के साइज के मामले में ये दोनों ही स्मार्टफोन लगभग एक जैसे ही रहेंगे। इनकी डिस्प्ले के साइज के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए वीवो Y30 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए नार्जो 10 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 4GB और 6GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की आपको मार्केट में दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए वीवो Y30 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। दोस्तों कैमरा के मामले में रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी दोस्तों 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैमरा के मामले में रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन आगे रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए वीवो Y30 स्मार्टफोन की, दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक लियो P35 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो कि फ्रंट टच OS के ऊपर काम करेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी मीडियाटेक का चिपसेट देगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक लियो G80 का चिपसेट दे सकती है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G52 का GPU देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में भी रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों मीडियाटेक का बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, जिससे आपको यह स्मार्टफोन बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए वीवो Y30 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 5000mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, जबकि दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी देगी। दोस्तों बैटरी की साइज के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है, लेकिन दोस्तों रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन के अंदर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके लिए इनमें कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों यदि इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए, तो दोस्तों वीवो Y30 स्मार्टफोन की भी कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 10 से 12 हजार रुपए के बीच में होने वाली है और रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन की भी कीमत कंपनी दोस्तों इसी के आसपास रख सकती है। तो दोस्तों 12 हजार रुपए तक की कीमत में आपके लिए रियलमी नार्जो 10 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको इन स्मार्टफोन
फोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।